हाय फ्रेंड्स, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू माय चैनल घर का खाना विद नूरजहान किचन। आज हम बना रहे हैं, नहीं, आज हम प्याज के पकोड़े नहीं बना रहे हैं, यानी हम सिर्फ प्याज के नहीं, आज हम आलू और प्याज के क्रिस्पी और क्रंची टेस्टी पकोड़े आपके सामने बनाने वाले हैं। और ये पकोड़े प्याज के पकोड़ों से भी ज़्यादा कुरकुरे और क्रिस्पी होते हैं, बहुत ही टेस्टी, बिल्कुल मार्केट की तरह। तो आपने कभी ट्राई किए हैं? नहीं तो आइए आज शुरू करते हैं, आज इफ्तारी में यही बनाइए। देखिए, यहाँ पर मैंने दो कच्चे आलू ली हूँ और इन कच्चे आलू को हम किसने पे किसेंगे। देखिए, बिल्कुल सेवई की तरह इसे किसते जा रहे हैं और सेवई की तरह इसे बनते जा रहे हैं। तो देखिए, हमारे दोनों आलू अच्छी तरह किस के बारीक हो चुके हैं। मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरह रेशे बने हैं सेवई की तरह। देखिए, अब इन किसे हुए आलू को हम साइड में रखेंगे और सबसे पहले हम लेंगे प्याज। देखिए, यहाँ पर मैंने 5 बड़े प्याज को अच्छी तरह पतले पतले स्लाइस कट करके ली हूँ। अब हम इसे दूसरे कटोरे में निकालेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक एक प्याज को अच्छी तरह छुट्टा करेंगे। देखिए, बहुत ही आसानी से और झटपट हमारे प्याज हाथों के मसलते ही छुट्टे छुट्टे होते जा रहे हैं, क्योंकि हमने अच्छी तरह बारीक पतले कट किए हैं इसे। और बहुत ही झटपट और आसानी से हमारे तमाम प्याज एक एक पीस में तब्दील हो गए हैं, यानी अच्छी तरह छुट्टे छुट्टे हो गए हैं। देखिए, प्याज पकौड़े में बिल्कुल छुट्टे छुट्टे होने चाहिए, तभी तो पकोड़े क्रिस्पी और क्रंची बनते हैं। अगर हम डायरेक्ट डालेंगे तो वो गट्टा गट्टा होंगे और खाने में मज़ा नहीं आएगा। तो जब होटल में बनता है तो उन लोग भी यही काम करते हैं। अब हमने जो आलू लिए हैं किसे हुए, उसे भी मिक्स कर रहे हैं। तो देखिए, पहली बार आपने देखा होगा कि हम प्याज और आलू को मिक्स करके पकोड़े बनाएंगे। देखिए, बहुत ही प्यार से और आसानी से हम प्याज और आलू को पहले अच्छी तरह आपस में मिक्स करेंगे, ताकि जहाँ पर हमें आलू का टेस्ट आए वहाँ पे प्याज का भी टेस्ट आए और दोनों टेस्ट इस तरह मिल जाए कि पता ही नहीं चले कि आलू है या प्याज। तो हम अच्छी तरह से मिक्स करते जा रहे हैं और आप यकीन कीजिए, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार पकौड़े बने थे। हमारे घर में तो सब शौक हो गए कि ये प्याज के पकौड़े हैं या आलू के, पता ही नहीं चल रहा है कि इसमें आलू है। इतने क्रिस्पी और क्रंची बने थे। हमने अच्छी तरह आलू को मिक्स कर दिए हैं। सबसे पहले हम डालेंगे 1 चम्मच रेड चिली फ्लेक्स, बारीक कटी हुई मिर्चियाँ लेंगे 4 से 5, अगर आपके घर में बच्चे हैं तो आप स्किप कर सकते हो, और हींग पाउडर डालेंगे 1 चुटकी, ताकि गैस और बदहजमी ना हो। इसके बाद हम डालेंगे नमक टेस्ट के हिसाब से, हम यहाँ पर 1 चम्मच भर के ले रहे हैं, आप अपने हिसाब से ले सकते हो। देखिए, इसके बाद हम डाल रहे हैं कूटा हुआ धनिया पाउडर, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है जब प्याज के पकोड़े खाते हैं हम आलू और प्याज के, तो बहुत ही मज़ेदार लगते हैं। इसके बाद हम डालेंगे गरम मसाला 1 चम्मच से थोड़ा कम, और भुना हुआ जीरे का पाउडर 1/2 चम्मच, जीरा डाल रहे हैं हम 1 चम्मच। इसके बाद हम डालेंगे अजवाइन, ये भी हमने 1 चम्मच से थोड़ा कम लिए है, अच्छी तरह हाथों की मदद से मसल के लेंगे, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और फिर डालिए हल्दी 1/2 चम्मच, और डालेंगे धनिया पाउडर 1/2 चम्मच। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बन रहे हैं हमारे पकोड़े। लाल मिर्ची डालेंगे आप अपने हिसाब से, हम 1 चम्मच डाल रहे हैं। अब इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह आपस में मिक्स करेंगे, ताकि प्याज और आलू में अच्छी तरह तमाम मसाले का फ्लेवर अच्छी तरह आ जाए और टेस्टी बने हमारे पकोड़े। देखिए, हमने सबसे पहले आलू और प्याज को आपस में मिक्स किए, अब तमाम मसाले को अच्छी तरह आलू और प्याज में मिक्स कर रहे हैं। ये स्टेप बाय स्टेप आप करते रहोगे, तभी तो आपके पकोड़े क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। और यहाँ पर एक सरप्राइज़ है, मैं आपको बाद में बताऊँगी, वो आप जान जाओगे। देखिए, अच्छी तरह हम इसे मिक्स करते जा रहे हैं, बहुत ही आसानी से और प्यार से हमने तमाम प्याज और आलू में तमाम मसाले मिक्स कर दिए हैं।
बहुत ही झटपट, और आप देख सकते हो अच्छी तरह तमाम चीज़ें आपस में मिक्स हो चुकी है। अब हम आगे का प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर हमने 3 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिए हैं और 4 चम्मच लेंगे हम चावल का आटा। यही तो स्टेप बाय स्टेप है, तभी तो हमारे पकोड़े क्रिस्पी और क्रंची बनेंगे। हम अच्छी तरह कॉर्नफ्लोर को और चावल के आटे को प्याज और आलू में अच्छी तरह मिक्स करेंगे। देखिए हम कंटिन्यू तमाम चीज़ें एक के बाद एक मिक्स करते जा रहे हैं और बहुत ही झटपट और आसानी से हमारे प्याज के पकोड़े बनना शुरू हो जाएंगे। हमने फ्राई पैन रखे हैं तेल डाल के गर्म होने के लिए, ताकि जैसे ही हमारा मिक्सचर तैयार हो जाए हम फ्राई करने का काम भी शुरू करेंगे। तो आज आप इफ्तारी में बिल्कुल यही तरीका यूज़ कीजिए। एक तरफ आप फ्राई करने के लिए फ्राई पैन रखेंगे और दूसरी तरफ तमाम चीज़ें लेकर बैठेंगे और फटाफट मिक्स करना चालू करेंगे। तो देखिए अच्छी तरह हमने कॉर्नफ्लोर और चावल के आटे को प्याज में और आलू में मिक्स कर दिए हैं और गायब भी हो गए हैं, वो आपको दिखाई नहीं देंगे। बहुत ही आसानी से और झटपट तमाम प्रोसेस होते जा रहे हैं एक के बाद एक। अब हम डालेंगे बेसन का आटा। देखिए यहाँ पर हमने 250 ग्राम बेसन का आटा लिए है, और ये पूरा नहीं डालेंगे, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा करके मिलाएंगे। एक साथ अगर हम डालेंगे तो आप तो जानते ही हो, मैं हमेशा आपको समझाती हूँ कि अगर कोई भी चीज़ हम एक साथ डालते हैं तो वो एक ही तरफ जम जाती है और तमाम जगह अच्छी तरह आपस में नहीं मिक्स करती। और आप देखिए मैं इसे भी आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करते जा रही हूँ, और आपने एक बात नोटिस नहीं की, अभी तक हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किए है और ना ही मैंने आपको पानी का ग्लास के जिक्र भी की हो। तो यही हमारा सरप्राइज़ है कि हम बिना पानी के आज पकौड़े का मिक्सचर तैयार करेंगे, और आप देखते रह जाओगे। ये जो 250 ग्राम हमने बेसन का आटा लिए है, ये भी हम पूरा बिना पानी के ही अच्छी तरह मिक्स करते जाएंगे, और जो बचा हुआ आटा है वो भी हम ले रहे हैं। देखिए और आटा हमारा पूरा ख़त्म हो चुका है, हम इसे भी अच्छी तरह मिक्स करेंगे, क्योंकि हमारे आलू में पानी था और प्याज में भी हल्का पानी होता है, तो बस उसी पानी में हमने तमाम आटे को अच्छी तरह मिक्स कर दिए हैं प्याज और आलू के साथ। और आप देखिए हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किए हैं, एक बूंद भी नहीं पानी इस्तेमाल हुआ है, तभी तो हमारे पकौड़े क्रिस्पी और क्रंची बने हैं। इसका मैं आपको आगे एग्जाम्पल दूंगी, आपको आवाज़ सुनाऊंगी, तब आपको पता चलेगा कि हमारे पकौड़े कितने क्रिस्पी और क्रंची बने थे। तो देखिए अच्छी तरह हमारा मिक्सचर पूरी तरह तैयार हो चुका है। अब हमने तमाम बेसन का आटा भी अच्छी तरह मिक्स कर दिए है। अब हम इसमें डालेंगे पकौड़े की जान हरा धनिया, जो खूबसूरती और टेस्ट दोनों ही बढ़ाता है। हरा धनिया आप अपने हिसाब से ले सकते हो, मैंने यहाँ पे एक कटोरी भर के ली हूँ। पहले इसे अच्छी तरह धोकर कट करके फिर हम इसमें मिक्स करेंगे, और लास्ट में इस्तेमाल करते हैं हम, ताकि पकौड़ों में खूबसूरती और टेस्ट दोनों ही अच्छी तरह आ जाए। और आप देखिए हमने पूरा हरा धनिया अच्छी तरह मिक्स करते जा रहे हैं, और हमारा अब तेल अच्छी तरह गर्म हो गया है। तो अब हम चलते हैं फ्राई पैन के पास। उससे पहले मैं आपको नज़दीक से दिखा देती हूँ कि देखिए पकौड़े का मिक्सचर तैयार हुआ है, वो भी बिना पानी के। ऐसा लग रहा है कि हमने इसमें कम से कम आधा ग्लास पानी तो मिलाए होंगे, मगर हमने एक बूंद भी नहीं मिलाया है। तेल हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुका है। तो अब हम लेंगे पकौड़े का बैटर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और थोड़ा थोड़ा करके छोड़ते जाएंगे। देखिए यानी डालते जा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके। इसमें हम कोई शेप नहीं देंगे, कोई पैटर्न नहीं होगा, बस हमने हाथों में बैटर लेना है और पकौड़े छोड़ते जाना है। जितना बैटर आएगा उसके हिसाब से पकौड़े डालते जाएंगे, एक के बाद एक यही काम करते रहेंगे, जब तक पूरे फ्राई पैन में अच्छी तरह हम तमाम पकौड़े डाल नहीं देते। जितनी जगह होगी हमारे फ्राई पैन में उससे ज़्यादा ही हम डालेंगे, क्योंकि ये पतले होते हैं और झटपट फ्राई भी हो जाते हैं। तो देखिए अच्छी तरह हम डालते जा रहे हैं एक के बाद एक, और बहुत ही आसानी से तमाम पकौड़े हाथों की मदद से निकलते जा रहे हैं।
तो देखिए हमारे हाथ तो फिर भी स्लो है, मार्केट वाले तो बहुत ही झटपटी काम करते हैं। हम इसे अच्छी तरह एक तरफ से फ्राई होने देंगे 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि हमारे पकौड़े अच्छी तरह क्रिस्पी और क्रंची हो जाए। उसके बाद हम इसे पलटना शुरू करेंगे। देखिए फ्राई पैन में जितनी जगह थी उतनी मैंने डाल चुकी हूँ, और भी कोशिश करते जा रही हूँ। जहाँ पे थोड़ी सी जगह दिखाई दे रही है मैं वहाँ पे डालते जा रही हूँ, क्योंकि पकौड़े एक दूसरे को चिपकेंगे नहीं, क्योंकि हमने दूर दूर डाले हैं एक के बाद एक। तो बहुत ही झटपट और आसानी से ये काम होता जा रहा है, और आप देख सकते हो 3 से 4 मिनट हो चुके हैं और एक तरफ से पकौड़े फ्राई होना शुरू हो गए हैं। अब हम तमाम पकौड़े को एक के बाद एक चम्मच की मदद से पलटेंगे, बड़ा झारा नहीं लेंगे अभी, पहले छोटे चम्मच से ही इसे पलटने का काम करेंगे। तो बहुत ही आसानी से हो जाता है ये काम। तमाम पकौड़े हम पलटते जा रहे हैं। अब दूसरी तरफ से भी हम इसे पलटेंगे, 4 से 5 मिनट होने को आए हैं। अच्छी तरह हम इसे हल्का गुलाबी होने तक फ्राई करेंगे। देखिए आप देख सकते हो पकौड़े का कलर चेंज हो रहा है, बिल्कुल मार्केट वाला कलर आ रहा है पकौड़ों में, तो दिखाई दे रहे हैं ना, बिल्कुल मार्केट की तरह पकौड़े हैं। देखिए अच्छी तरह गुलाबी हो रहे हैं। अब हम इसे निकालने का काम करेंगे, यानी 8 से 10 मिनट में अच्छी तरह हमारे पकौड़े फ्राई हो जाते हैं क्रिस्पी और क्रंची। अब हम इसे निकालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत ही संभाल के आहिस्ता आहिस्ता जितने हमारे झारे में आएंगे उतना हम निकालेंगे, और इसका तेल अच्छी तरह निकालेंगे। 30 सेकंड तक अच्छी तरह इसे हम पकड़ के रखेंगे। देखिए हम हमेशा हर फ्राई की हुई चीज़ को छन्नी में निकालते हैं, तो इसका सीक्रेट तो मैंने आपको बताई थी कि इससे हमारे पकौड़े अच्छे क्रिस्पी और क्रंची होते हैं और नरम नहीं होते। और हम इसे ढककर नहीं रखेंगे, इसे हम खुला ही रखेंगे, वरना ये नरम पड़ना शुरू हो जाएंगे। देखिए अच्छी तरह हमारे दूसरे राउंड के पकौड़े भी तैयार हो गए हैं, और बहुत ही झटपट और आसानी से अब बिल्कुल मार्केट की तरह हमारे पकौड़े तैयार है। तो आइए अब हम इसे प्लेट में निकालते हैं, तो नज़दीक से दिखाती हूँ। बिल्कुल वही शेप वही कलर, हमारे आलू और प्याज के क्रिस्पी और क्रंची पकौड़े खाने के लिए तैयार है। हम टमाटो केचप के साथ खाएंगे इसे। तो आइए बिस्मिल्लाह कीजिए, बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बने हैं, और मेरा बेटा आपको दिखाएगा खा के। देखिए अच्छी तरह हमारे पकौड़े फ्राई हो चुके हैं और अंदर से भी अच्छी तरह पके हैं, दिखा रहा है तोड़कर। अब वो खाकर आपको आवाज़ भी सुनाएगा, आप गौर से सुनिएगा, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची आवाज़ है। तो आइए बिस्मिल्लाह कीजिए, खाइए खाइए। नहीं खा रहे हो? सुनिए आपने आवाज़। तो अब देखिए दूसरे बाइट की भी आवाज़ सुनिए किस तरह है। तो है ना बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची आवाज़। हम पकौड़े खाते जा रहे थे और ये आवाज़ हमारे कानों में गूंज रही थी। तो उम्मीद है आपको ये तरीका बहुत ही आसान और अच्छा लगा होगा। अगर हाँ तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आज इफ्तारी में ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए। अब हम मिलेंगे नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया, खुदा हाफिज़।